हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल प्ले द मोमेंट में। तो आज की जो वीडियो है, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुनिया के 7 अजूबे, वो भी सिर्फ फ्री। फ्री मतलब आपका सिर्फ इंटरनेट खर्चा होगा और कुछ नहीं। मेरे तो 10 रुपये खर्चे हुए हैं, 10 रुपये में पूरा वर्ल्ड टूर करने वाला हूँ। सॉरी, मैं मजाक कर रहा हूँ। 10 रुपये में मैं कोटा के एक 7 वंडर पार्क में आ चुका हूँ। तो आपको मैं यहाँ व्यू दिखाने वाला हूँ, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कोलोसियम का, उसके बाद सामने पिरामिड है, इसके सीधे सीधे आप ताजमहल, एफिल टावर, सिडनी की ब्रिज वगैरह आप देख पाएंगे। तो बने रहे वीडियो पे, मेरा नाम है अभिषेक, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको कोलिजियम देखना हो तो इटली जाने की ज़रूरत नहीं, आप कोटा या दिल्ली जाके भी सिर्फ 10 रुपये टिकट में आप देख सकते हैं और दोस्तों को फ़ोटो दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, कोलिजियम जो कि इटली में है। तो अभी हम आ पहुंचे हैं इजिप्ट पिरामिड देखने। तो ये पिरामिड इजिप्ट में स्थित है, इजिप्ट मिस्र को बोला जाता है, मिस्र देश, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। मिस्र का विशाल पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्य में से एक है, यानी कि 7वें अजूबे में से एक ये पिरामिड भी है। अगर आप कभी पासपोर्ट हो तो इजिप्ट अगर आप जाएंगे तो इजिप्ट में पिरामिड है। आपने मम्मी पिक्चर में भी देखा होगा, इसी का जिक्र किया गया है उस पिक्चर में। तो ये है पिरामिड, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, इसके नाम से ये जाना जाता है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है फिर भी आप 7 अजूबे देख सकते हो यहाँ आकर। तो बने रहे वीडियो पे, पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरे दोस्तों को पहली बार पिरामिड देख के फ़ोटो खिंचवाने की चक्कर में पड़े हैं। तो अभी हम आ पहुँचे हैं ताजमहल आगरा, यानी कि इंडिया। तो असली का ताजमहल नहीं है, यहाँ बनाया गया है, असली जैसा ही है बिल्कुल। तो अगर आप ताजमहल या आगरा नहीं जा पाए तो यहाँ पे आके कर सकते हैं, या मेरे वीडियो को देख के भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये इसका फ्रंट व्यू है, अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, घेरा लगा रखा है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल हूबहू सेम दिख रहा है। उस समय जो मैंने पीछे का व्यू दिखा दिया था, ये फ्रंट व्यू है, यहाँ पे आप बैठ के फ़ोटो खींच सकते हो, वाइट पट्टी पे आप कभी आके फैमिली के साथ फ़ोटो खींच सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग वैसे भी घूम रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में आप 7 वंडर यानी कि वर्ल्ड टूर कर सकते हो। तो हमारा सफ़र आगे की तरफ बढ़ चुका है, ताजमहल को क्रॉस करते हुए अब हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता ही है सिडनी का ब्रिज जो फेमस है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया जाने की ज़रूरत नहीं है सिडनी का ब्रिज देखने के लिए। ये रहा सिडनी का ब्रिज ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख सकते हैं सिर्फ चंद कदम का फासला था आगरा से ऑस्ट्रेलिया। तो ये है मेरे पीछे सिडनी का ब्रिज।
अभी मैं गिर जाता सिडनी के ब्रिज के नीचे। तो ये सिडनी का ब्रिज है, आप कभी देखेंगे तो पता चल जाएगा, अगर आपको नहीं पता हो तो। बंद किया हुआ है क्योंकि ये नीचे लकड़े का है। कुछ ऐसा दिखता है। और ये सामने चंबल नदी का पानी इसमें आता है। तो ऑस्ट्रेलिया से अब हमारी फ्लाइट निकल चुकी है अमेरिका, अमेरिका स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि अमेरिका में है, आप देख सकते हैं। तो इसे कहते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि अमेरिका में है। तो ये देखने के लिए आपको अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आप आके फ़ोटो निकाल सकते हैं। हाँ जाइए जी। तो अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ उसके बारे में मैं भी नहीं जानता, मैं भी फर्स्ट देखा तो हूँ बहुत बार लेकिन मैं इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं। तो ये वो चीज़ है पीछे, थोड़ी सी इसको लीनिंग बिल्डिंग बोलते हैं। अभी मैं पढ़ के आपको बताने वाला हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो इसको बोलते हैं पीसा की झुकी मीनार, अभी मैंने पढ़ा है। तो पीसा की झुकी मीनार ये आप देखेंगे तो हल्की सी झुकी हुई है। तो आपको मैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स में देता हूँ, तो आप ये पढ़ सकते हैं पीसा की झुकी मीनार जो कि यूरोप में है और यह इटली देश के पीसा शहर में स्थित है। ठीक है, इटली में पीसा में स्थित है, इटली के पीसा शहर में। तो ये हल्की सी झुकी हुई है, मेरा कैमरा एंगल आपको बता नहीं पाएगा लेकिन आप जब स्ट्रेट देखोगे, जैसे कि मैं अभी स्ट्रेट खड़ा हूँ तो आप देख सकते हो ये थोड़ा लेफ़्ट की तरफ झुकी हुई है। तो ये भी दुनिया के सातवें अजूबे में से एक, पीसा की झुकी मीनार यानी कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा, इंग्लिश में लीनिंग टावर ऑफ पीसा बोलते हैं। तो यहाँ आने से इसके बारे में मुझे भी पता चल गया कि ये क्या है। तो आगे हम इस तरफ अब पेरिस की तरफ जाएंगे। तो ये है जग मंदिर जो कि पानी के बीचों बीच है, वहाँ भी लाइटिंग होती है रातों को। तो कुछ ही देर में हम पेरिस पहुँच जाएंगे। हमारा सफ़र चल चुका है, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, कुछ फनी टाइप का लग रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, मेरे लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दे मेरी इस मेहनत के लिए। तो अभी हम वहाँ पहुँचे हैं पेरिस, ये आईफिल टावर, ये मेरा फेवरेट जगह, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ पेरिस, लेकिन पता नहीं। नीचे से लेना थोड़ा।
तो ये स्टैचू क्राइस्ट द रिडीमर क्रिश्चियन लोगों की पहचान है, एक मतलब धार्मिक स्टैचू जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे लाइट हो गया है, अंधेरा आ गया है। रात को ये लाइटिंग के बाद कैसा दिखता है मैं आपको थोड़ा दिखा देने वाला हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा उजाला है, नहीं तो ये रात होने के बाद और ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो कभी आप अगर आए यहाँ पे तो 6 और 8 के बीच में आए, अगर दिन का भी देखना हो रात का भी देखना हो। अगर आप आए तो यहाँ पे सिर्फ 10 रुपये में आप पूरा घूम सकते हैं। 10 रुपये टिकट है, बच्चों के लिए 5 रुपया, एडल्ट के लिए 10 रुपये। और आपको मैं आगे एक सामने का दिखा सकता हूँ, जहाँ से आप इनकी एंट्री मिलेगी यहाँ पे आपको टिकट दिखाना पड़ेगा। ये है टिकट काउंटर। तो ये टिकट काउंटर है और ये इसका मेन गेट है। यहाँ पे 4-व्हीलर 2-व्हीलर की पार्किंग वगैरह है, आप देख सकते हैं सामने 2-व्हीलर पार्किंग 5 रुपीज़ और 4-व्हीलर पार्किंग 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ का टिकट, 10 रुपीज़ पार्किंग, आप पूरे एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।